हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई डिस्कस कर लेते हैं आज का एडिटोरियल। तो ये देखिए मैसिव विक्ट्री के नाम से ये जो आर्टिकल है नेपाल के इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको देखेंगे। इसके अलावा ये आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, उनकी कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे पकड़ कमज़ोर होती जा रही है यूएस में, राइट। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल कहता है कि ऐसा नहीं है, वहाँ का जो अभी भी वर्किंग क्लास है वो उनके साथ है। और अभी एक वहाँ पे अलबामा जो एक स्टेट है वहाँ का, तो वहाँ के गवर्नर का इलेक्शन होना है। कह रहे हैं कि इसका भी रिज़ल्ट एक तरीके से काफ़ी कुछ शो करेगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर वाकई सिचुएशन उनकी कैसी है, ठीक है ना। तो इसको स्किप करेंगे हम। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है पीस कीपिंग से रिलेटेड, जो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं उस पर बेस्ड आर्टिकल है, इसको अच्छे से देखेंगे। इन एन एलिट क्लब वसीनार अरेंजमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा नीचे भी दो आर्टिकल है, ये कार्बन एमिशन से रिलेटेड, और इसके अलावा एक 4 दिसंबर को हंगर इंडेक्स से रिलेटेड आर्टिकल आया था, तो उस पर कुछ इन्होंने क्वेश्चन रेस किए हैं, तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो ये देखिए आर्टिकल जो इलेक्शन हुए थे अभी नेपाल में, तो उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। और ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस बार आप लोगों को एक जो लेफ्ट अलायंस था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले इन्होंने एक अलायंस बनाया था, जो भी लेफ्टिस्ट पार्टियाँ थी उन लोगों ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, ठीक है ना। तो इसमें तीन पार्टियां थी, और इसमें एक थी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यूएमएल जिसको कहते हैं, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, ठीक है ना। तो इन लोगों ने मिलके एक अलायंस बनाया था। तो इनकी एक लग रहा है कि अब इनकी गवर्नमेंट वहाँ पे बनने जा रही है। 165 पार्लियामेंट्री सीट्स में से इन्होंने 70% सीटें जीत ली हैं, तो कह रहे हैं कि एक तरीके से रास्ता साफ हो गया है, इनकी गवर्नमेंट अब वहाँ पे बनने जा रही है। और ये कह रहे हैं कि ये डिसाइसिव जो विक्ट्री है ये लेफ्ट अलायंस की, ये 1990 के बाद, ये कह रहे हैं कि एक जब डेमो 1990 के बाद जब नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, उसके बाद से ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है लेफ्टिस्ट के लिए, राइट। और इसमें भी यूएमएल जो है उसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, ठीक है ना। यूएमएल कह रहे हैं कि उन्होंने अपना एक जो देखिए अभी पिछले लोकल इलेक्शन भी हुए थे वहाँ पे, तो उसमें भी यूएमएल कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यूएमएल जो है वो सपोर्ट अपना धीरे धीरे बढ़ा रही है, इवन हिल टाउन्स में भी और तराई रीजन में भी, राइट। और इसके अलावा माओइस्ट भी जो हैं उनका भी धीरे धीरे उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सबसे बड़ा सेटबैक मिला है आपके नेपाली कांग्रेस को, नेपाली कांग्रेस इस बार इसको तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा, और इस बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी उनकी प्रेजेंस काफ़ी कम ही रहेगी। हालांकि कुछ देखिए लोकल पार्टीज़ जो हैं, जो मधेशीज़ की जो पार्टी हैं और इसके अलावा रॉयलिस्ट पार्टीज़ हैं, उन्होंने देखिए उनका जो परफॉर्मेंस रहा वो तो बहुत ही ख़राब रहा। वो कह रहे हैं कि हालांकि इन्होंने कोशिश भी की थी यूजिंग हिंदू कार्ड, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट बढ़िया नहीं रहा। तो कह रहे हैं कि अब तो क्वाइट ये क्लियर हो गया है कि ये लेफ्ट जो है वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और चूंकि मैंडेट अच्छा है इसलिए उम्मीद की जा रही है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी जो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन वो फेस कर रहा था नेपाल। आप लोगों को पता होना चाहिए 1990 के बाद से वहाँ पे 13 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, ठीक है। तो अब चूंकि ये लोग लेफ्ट वाले लाइक माइंडेड ये लोग हैं, तो इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये लोग वहाँ पे एक तरीके से अच्छा गवर्नेंस देंगे और डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो नीचे इनका यही फाइनली कहना है कि इनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये अपनी ताक और इसकी वो गवर्नेंस को एक तरीके से शो करें और डेवलपमेंट पे भी काम करें, क्योंकि 2015 में वहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ था तो काफ़ी लॉस हुआ था उससे, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में यही कह रहे हैं कि द लेफ्ट अलायंस नाउ हैज़ बोथ द अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ टू डिलीवर ऑन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो उनके पास अभी भी पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरा मौका है उनके पास, और पूरी तरीके से वो मेजॉरिटी भी उनके साथ है, पब्लिक ने मैंडेट दिया है, तो उन्हें डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे काम करना चाहिए, राइट। अगला आर्टिकल जो है ये देखिए एन एलिट क्लब, तो एलिट क्लब ये वेसनार अरेंजमेंट में इंडिया की, आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया को सदस्यता मिल गई है एज ए 42nd मेंबर, ठीक है ना। तो इंडिया 42वां मेंबर हो गया वसीनार अरेंजमेंट का। तो इससे कह रहे हैं कि वो जाता है सिग्नल जाता है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। वसीनार अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि 1996 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसको फिर बाद में क्लब कर दिया गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो MTCR जिसको कहते हैं आप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से, राइट। तो एक तरीके से इसका जो काम है वो रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, इसके अलावा स्टेबिलिटी
बाई प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल जो आर्म्स होते हैं, जो उनका ट्रांसफर होता है, उसको लिए कह रहे हैं कि उसमें एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करना इनका काम है। इसके अलावा डुअल यूज़ गुड जो होती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड ये काम देखता है, ठीक है ना। डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, दस प्रिवेंटिंग डिस्टेबलाइजिंग अकुमुलेशन, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ये स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया का वासेनार अरेंजमेंट में आना कह रहे हैं कि एक तरीके से बहुत बड़ी सक्सेस है, और ऐसा प्रिज्यूम किया जा सकता है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो एक तरीके से काफ़ी मतलब इसके इससे ये होगा कि लोगों को पता लगेगा कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी इंडिया की, ठीक है ना। और जो MTCR में पिछले साल अभी इंडिया ने मेंबरशिप ली थी, ठीक है ना, MTCR में अभी इंडिया को पिछले साल मिली है, और इसमें लेकिन अभी इंडिया जो है NPT और NSG का मेंबर नहीं है, ये याद रखें आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने देखिए, जो इंडिया ने एक और एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 2005 में, 1-2-3 एग्रीमेंट। तो 1-2-3 एग्रीमेंट क्या है आप लोगों को पता है? 1-2-3 एग्रीमेंट देखिए, इंडिया और US के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, उसी को 1-2-3 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि इंडिया ने जब 1-2-3 एग्रीमेंट साइन किया था, तो ये अजम्पशन था कि दैट यूनाइटेड स्टेट जो होगा इंडिया को हेल्प करेगा, ठीक है, ग्लोबल न्यूक्लियर एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि इट सेपरेटेड इट्स सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड प्लग द लूप होल्स टू प्रिवेंट डिफ्यूजन टू न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी इन अ वे दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटली इन लाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड बाई द मेंबर ऑफ NSG, राइट। तो मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सका, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1-2-3 एग्रीमेंट के बाद इंडिया को बहुत उम्मीद थी कि ये US उनकी हेल्प करेगा। कह रहे हैं कि हाउ एवर ओवर द पास्ट कपल्स ऑफ ईयर इट हैज़ बिकम एविडेंट दिल्ली हैज़ टू डू डू मोस्ट ऑफ हैवी लिफ्टिंग टू गेन अ सीट इन वेरियस ग्लोबल हाई लेवल। तो कह रहे हैं कि अब तो पिछले कुछ एविडेंस से पता चल गया है कि इंडिया को बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है अगर उसे कहीं पे अपनी सीट या मेंबरशिप या कहीं भी मतलब उसे अपने आप को ऊँचा उठाना है, तो उन्हें एक तरीके से बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देना चाहें, तो अभी जो इंडिया को ICJ में जो इंडिया ने जीत दर्ज की है, उसका भी एग्जांपल यहाँ पे देखा जा सकता है। इंडिया ने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ किया, और वहाँ पे एक अपना जज नियुक्त कर लिया, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो एफर्ट है NSG के लिए, वो चाइना के द्वारा बार बार स्टॉप किया जाता है, और जबकि चाइना जो है वो वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि दिक्कत वहीं पर है जहाँ पर चाइना मेंबर है, जहाँ पर चाइना मेंबर नहीं है वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। और इसके अलावा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ हम लोग के साथ आती जा रही हैं, और हमारे साथ एक तरीके से हमारी क्रेडेंशियल जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कंट्रीज़ हम लोग को सपोर्ट कर रही हैं। तो वो हमारे फ्यूचर जो NSG की बात कर रही हैं, NSG की जो बिड है वो उसके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है, जो क्या जो फोकस करता है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन पे, वो कह रहे हैं कि उसको भी एक तरीके से उसको क्रैक करना आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, और मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि चाइना हमेशा इनको दिक्कत पैदा करता है, तो जहाँ पे चाइना नहीं है वहाँ पे इंडिया की मेंबरशिप मिल सकती है। वैसे ये कह रहे हैं कि वैसे एक और अच्छी चीज़ ये है कि अब इंडिया की क्रेडेंशियल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और काफ़ी कंट्रीज़ इनके सपोर्ट में आती जा रही हैं, जो कि अब अगले आगे हमारी NSG के लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल, इसके अलावा ये जी पावर प्ले इन पीस कीपिंग, ये जो आर्टिकल है इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था, तो कह रहे हैं कि पीस कीपिंग की जो सोल्जर्स थे, तो उनको कांगो में मार दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि इसको न्यूज़ मीडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसको न्यूज़ में कहीं नहीं दिखाया गया, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि इन द मिडस्ट ऑफ दिस UN मस्ट फोकस ऑन चाइना एज इट्स ग्रिप ऑन UN अफेयर्स टाइटन इज स्टार्ट टू डिसाइडिंग पॉलिसी टू द डिरेलमेंट डेटरीमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि चाइना क्या कर रहा है कि UN पीस कीपिंग पे धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, और वो इंडिया के लिए काफ़ी खतरनाक होगा, ठीक है ना, इंडिया के लिए एक तरीके से वो नुकसानदेह होगा। और इसके अलावा बीजिंग कह रहे हैं, बीजिंग क्या कर रहा है, बिकम द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर एमंग द परमानेंट UNSC। तो UNSC के जितने भी मेंबर हैं उसमें जो चाइना की जो ट्रूप्स हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है पीस कीपिंग में, ठीक है। अब मतलब चाइना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, जबकि 1992 में ये कह रहे हैं कि ये एक स्मॉल क्या नाम है कैडर हुआ करता था सोल्जर्स का, जब कंबोडिया में जब पीस कीपिंग थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ी संख्या उनकी हो गई है। और चाइना कह रहे हैं चाइनाज पार्टी चाइनाज
पार्टिसिपेशन इन यूएन ऑपरेशन ऑफर्स ए लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिंग देयर कमिटमेंट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो चाइना एक तरीके से कह रहे हैं कि एक कमिटमेंट शो कर रहा है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, राइट। मतलब ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं कि इनकी चूंकि पीस कीपिंग में धीरे धीरे इनकी नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो कमिटमेंट शो कर रहा है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। और यूएन स्पेशली यूएनएससी इज ब्लू ब्लडेड पॉलिटिकल बॉडी, तो ये कह रहे हैं कि यूएनएससी जो है एक ब्लू ब्लडेड पॉलिटिकल बॉडी है जो कि कंसीडर करता है विथ स्टैंडिंग, मतलब ये कह रहे हैं कि सारी कंट्रीज़ को ये इक्वल कंसीडर नहीं करता है, ठीक है ना। तो और फिर फाइनली ये कह रहे हैं कि देखिए चाइना जो यूएन चाइना की जो यूएनएससी में या यूएन में जो सिचुए मतलब पोजीशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इवन कंट्रीब्यूशन में भी चाइना का देखिए रेशियो जो है 7.92 है, जबकि इंडिया का सिर्फ जो है 0.737 है, राइट। और यूएस का जो है वो 22% है, तो देखिए कितना डिफरेंस है इसमें भी। इसके अलावा देखिए इस एक सी एस आई एस की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि चाइना हैज़ यूज इट्स वीटो ओनली 12 टाइम्स बट टू वर कास्ट वेयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर इन्वॉल्व। तो चाइना ने कह रहे हैं कि 12 बार अपना वीटो यूज़ किया है, इसमें से दो तो उनके सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, हमारे लिए देखिए इस पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसी पे जो चाइना का जो पीस कीपिंग वाला जो मैटर है तो उसी पे। तो ये कह रहे हैं कि देखिए 2015 में चाइना ने कमिटमेंट किया था कि 8,000 पीस कीपर्स को परमानेंट पुलिस स्क्वाड फॉर यूएन ऑपरेशन, ठीक है। इन एडिशन देयर इज़ अ टेन ईयर 1 बिलियन चाइना पीस एंड डेवलपमेंट फंड एंड 100 मिलियन इन मिलिट्री असिस्टेंस टू अफ्रीकन यूनियन। देखिए चाइना का ये है 8,000 पीस कीपर्स इन्होंने परमानेंट तरीके से डिप्लॉयमेंट करने की बात की थी यूएन ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा 10 साल में 1 बिलियन, राइट, 1 बिलियन किसके लिए? पीस एंड डेवलपमेंट फंड, और 100 मिलियन इन्होंने दिया है मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो यही कह रहे हैं कि इसका इंडिया पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो है चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंडिया के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो इंडिया कह रहे हैं कि धीरे धीरे अपना जो पकड़ थी वो धीरे धीरे लूज़ करता आ रहा है इंडिया की, जबकि ये कह रहे हैं कि ये देखिए 2,10,000 में इन्होंने इंडिया कह रहे हैं 10 साल में नहीं, इंडिया ने कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 लाख ट्रूप्स को ट्रूप्स इन अर्ली 50 ऑफ 71 यूएन के, हाँ देखिए जो इनके पीस कीपिंग मिशन रहे हैं 71 यूएन पीस कीपिंग मिशन में पास्ट डिकेट्स में इंडिया ने 2 लाख अपने ट्रूप्स भेजे हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे देखिए लिख रहा है द ट्रूथ इज़ दैट दो आवर ट्रूप्स हैव बीन ऑन इन फ्रंट, हमारे जो ट्रूप्स रहते हैं वो कह रहे हैं कि हमेशा फ्रंट लाइन पर रहें और उन्होंने डेंजर को फेस किया है, राइट। 168 सोल्जर्स लास्ट इन यूएन ऑपरेशन टिल मई, तो 168 हमारे सोल्जर्स अब तक मारे जा चुके हैं। तो फाइनली यही कह रहे हैं कि चाइनाज अपोजिशन टू इंडियाज कैंडिडेट फॉर यूएनएससी सीट एंड इट्स रिपीटेड वीटोज ऑन द मसूद अजहर इशू आर अनवेलकम इंडिकेटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों को पता होगा चाइना बार बार मसूद अजहर पे एक वीटो कर देता है, तो ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं, ये अनवेलकम स्टेप है। और पीस कीपिंग मिशन आर द रेज डिटेल ऑफ यूएन एंड इंडियाज जनरस कंट्रीब्यूशन एज फार एज पीस कीपिंग ट्रूप्स आर कंसर्न शुड बी की इन आर्गूमेंट टू हैव ग्रेटर से इन द अफेयर्स ऑफ द यूएन, इंडिया मस्ट डिमांड इट पाउंड ऑफ द फ्लैश। देखिए क्या है कि यूएन का एक रूल है कि उसमें जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उतना उसका ज़्यादा से होता है, ठीक है। तो चाइना जो है उसका फ़ायदा उठा रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अब पहले तो फंडिंग इसकी ज़्यादा थी लेकिन अब ट्रूप्स के भी इसने अपने नंबर बढ़ा दिए, एक तरीके से पीस कीपिंग को अपना मजबूत हथियार बनाना चाहता है चाइना, ठीक है। और इंडिया ने हालांकि बहुत ही इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, इसने पिछले कह रहे हैं कि 50 से लेकर अब तक 2 लाख ट्रूप्स का यूज़ किया है और 168 इसमें जो ऐसे सोल्जर्स हैं जो इसमें उन्हें उसने खो भी दिए, मतलब 168 जो सोल्जर्स हैं वो उसने मारे गए इनके, उसके बावजूद भी इंडिया को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी चाइना को मिलती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। इसके अलावा देखते हैं नीचे का एक आर्टिकल है, फॉर क्लीन एयर इंडिया नीड्स अ पॉलिसी लीप। तो ये कह रहे हैं कि देखिए क्लीन एयर के लिए इंडिया को एक पॉलिसी की ज़रूरत है, और वो पॉलिसी ये खुद मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है। देखो पहले तो ये कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट जो लैंसेट की आई है उसमें ये कहा गया है कि इंडिया में 19 लाख पीपल जो हैं वो प्री मैच्योर सिर्फ और सिर्फ आउटडोर और इनडोर एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं,
ठीक है, मतलब 19 लाख पीपल वो अपने वक्त से पहले, मतलब उनके उनकी जो मैच्योर प्री मैच्योर डेथ होती है वो सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रेन हैं वो जब ग्रो जो ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रखते हैं जैसे दिल्ली में है, तो उनकी जो लंग्स की साइज़ होती है वो क्या होती है, 10% स्मॉलर होती है कंपेयर टू अदर, मतलब जैसे ये यूएस से कंपेयर कर रहे हैं, यूएस के बच्चों से अगर कंपेयर करें तो उनके जो लंग्स की साइज़ होती है वो 10% कम होती है। तो कह रहे कि देखिए 75% जो जितनी सारी गैसेज है उसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, CO2 एमिशन का है, राइट। तो यही कह रहे हैं कि अर्ली 2000 में कार्बन एमिशन हैव इंक्रीज बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो जब देखिए इकोनॉमी जब ग्रो करती है, तो उस कार्बन एमिशन भी ग्रो करता है। इसीलिए कार्बन एमिशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी उनको छूट दी गई थी, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और अभी उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो डेवलप नहीं कर सकती। और चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगा तो कार्बन एमिशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि हमने बहुत ही 2014 से टोटल कार्बन एमिशन वर मोर देन 3 टाइम्स एट द लेवल ऑफ 1990। तो 2014 को 1990 से जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि लगभग दूना या तीन गुना हमारा कार्बन एमिशन बढ़ गया है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमारा चूंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल पे, तो उसको एक तरीके से कम करके हम लोग अगर चाहें तो लो लेवल ऑफ जो एनर्जी एफिश, चूँकि ये देखिए जो फॉसिल फ्यूल होते हैं एक तो उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं होती है, राइट। तो यही कह रहे हैं कि अगर उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाए तो हम एक तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो अपना मॉडल बता रहे हैं रीमॉडल द एनर्जी मिक्स, तो इन्होंने एक सोल्यूशन दिया है कि एक इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है अगर क्या किया जाए, कार्बन रिवेन्यू का यूज़ किया जाए, ठीक है ना, कार्बन रिवेन्यू जनरेट किया जाए। कार्बन रिवेन्यू का मतलब एक तरीके से कार्बन को टैक्स करके, ठीक है ना, कार्बन टैक्स जो है तो वो रिवेन्यू जो आएगा उसका यूज़ करेंगे, उसका यूज़ कहाँ करेंगे, ये कह रहे हैं कि जो हमारा एनर्जी सिस्टम है ना, एनर्जी मिक्सिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सिस्टमिक ओवरहॉल करेंगे एनर्जी मिक्सिंग में। और ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि एनर्जी मिक्स नीड्स टू बी रीमॉडल थ्रू इन्वेस्टमेंट इन क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, जियो थर्मल, लो एमिशन बायो एनर्जी एंड बाई रेजिंग द लेवल ऑफ एनर्जी एफिशियंसी थ्रू, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग रिट्रोफिट ग्रिड अपग्रेड एंड इंडस्ट्रियल एफिशियंसी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से रिट्रोफिटिंग करके, इसके अलावा ग्रिड अपग्रेडेशन करके, इंडस्ट्रियल एफिशियंसी को बढ़ा के, ये सारे जो इन्होंने न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी बताया इन सब चीज़ का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है, राइट। तो इसको कह रहे हैं कि इसके लिए हालांकि ओवरहॉलिंग के लिए इस पूरे सिस्टम को हमको ज़रूरत कितनी पड़ेगी, 1.5% ऑफ GDP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, टू द करेंट एनुअल लेवल ऑफ 0.6% एनुअली ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड, राइट। तो इतनी GDP की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये फाइनली ये नीचे ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो इतना बड़ा अमाउंट है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो हम टैक्स रिवेन्यू के थ्रू करेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और जो फिस्कल डेफिसिट की आपकी प्रॉब्लम है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फाइनेंस करेंगे हम इसको कार्बन टैक्स रिवेन्यू से करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि देयर इज़ हाउ यूर ए प्रॉब्लम विथ कार्बन टैक्स, इट्स रिग्रेसिव इन नेचर, इट अफेक्ट्स पुअर मोर देन रिच, कह रहे हैं कि हालांकि एक और इसमें निगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो है कार्बन टैक्स होता है ये एक रिग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है ना। तो इस रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है कंपेयर टू रिच पीपल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक यहाँ पे निगेटिव ये है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक और हम ये काम कर सकते हैं कि इनको एक मतलब आइडिया दे रहा है ये कि इंस्टेड ऑफ कैश ट्रांसफर द अदर पार्ट ऑफ द कार्बन रिवेन्यू कैन बी यूज फॉर इन काइंड ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम एक तरीके से जो पुअर हैं उनको कैश ट्रांसफर ना करके उनको एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करें तो वो बेहतर होगा, ठीक है, टू द पॉपुलेशन दैट कंट्रीब्यूट्स लेस कार्बन दैट इकोनॉमी एवरेज, ठीक है। तो जो लोग
कम कार्बन एमिशन करते हैं, मतलब एवरेज से कम अगर करते हैं, तो उनको एक तरीके से आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड यूनिवर्सल ट्रैवल पासेज टू कम्पनसेट फॉर द राइज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड एनकरेज द यूज़ ऑफ ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, ये देखिए सोल्यूशन दे रहे हैं कि ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रैवल पासेज को यूज़ कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है ना, फॉर द राइज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड इंकरेज इन द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे ये सोल्यूशन दे रहे हैं, राइट। और ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है नॉट ओनली कर्ब एमिशन बट आल्सो डिलीवर्स ऑन प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि ये तो कार्बन एमिशन तो कम होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा होगा, तो ये कह रहे हैं कि सिंस एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन ग्रीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी हायर देन देन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, ठीक है। तो अगर कह रहे हैं कि आप अगर ग्रीनर फॉर्म ऑफ जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एनर्जी आल्सो एड्रेस द इशू ऑफ स्टीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहे हैं कि अगर आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे तो जो चोरी की समस्या है, जो कटिया मार के जो लोग या बिना अनऑथराइज तरीके से जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, राइट। और ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोलन की जो जो प्रैक्टिस है, वो कह रहे हैं कि वो 0.8% ऑफ GDP है, राइट। तो एक तरीके से कह रहे हैं कि ये जो 0.8% ऑफ GDP जो जो आपको नुकसान हो रहा है वो आप कंपनसेट कर सकते हैं, राइट। और ये कह रहे हैं कि बस रफ मेज़र अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मोर देन 3% ऑफ इंडिया GDP करंटली स्पेंड ऑन पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज। तो ये कह रहे हैं कि एक और चीज़ है कि 3% ऑफ इंडिया की जो GDP है वो कहाँ पे यूज़ होती है, पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो ये भी कम हो जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन कम हो जाएगा तो पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज़ कम होंगी, तो उस पर एक्सपेंडिचर उसका ड्रेस्टिकली डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि एक तरीके से ज़रूरत इस बात की है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ की जाएँ जिससे हमारा एमिशन कम हो सके, राइट। और इससे इसके और कई फ़ायदे हैं, देखिए इसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो आपको सोलर, जो सोलर हाइड्रो या जियो के थ्रू आप अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। इसका हम ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ये पोल्यूशन नहीं पैदा करती हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, हेल्थ पे इनका इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो डिजीज़ से भी हम बच सकते हैं, राइट। और ये एक डेवलपमेंट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में हम एक तरीके से और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी उनको आसानी से मिल जाएगी और चोरी भी कम होगी। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो आर्टिकल आया था 4 दिसंबर को, उसको बहुत ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उसमें जो भी बातें कही गई थी, तो उसी पे बेस्ड इन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये कह रहे हैं कि मिसलीडिंग हंगर इंडेक्स के नाम से जो आर्टिकल शाया हुआ था, पब्लिश हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया है। और ये देखिए शुरू करने कह रहे हैं कि इफप्री ने कहा था कि इंडिया की जो रैंकिंग है 119 में 100 है, जबकि कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में ये कहा गया था कि अगर इंडिया की रैंकिंग जो मतलब इनके हिसाब से होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 77 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट फ्लॉ ये कह रहे हैं, फर्स्ट फ्लॉ इनके अजम्पशन में ये है कि ये कह रहे हैं कि 60% इंक्रीज इन पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन इन द लास्ट डिकेड एंड डबलिंग इन द 50 ईयर्स, हंगर मस्ट हैव ऑटोमेटिकली कम डाउन। ये कह रहे हैं कि देखिए फर्स्ट जो कमी जो निकाल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि पिछले 50 सालों में ये क्या हुआ है, 26% इंक्रीज़ हुआ है पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, डबलिंग इन द लास्ट 50 ईयर्स, हंगर मस्ट हैव ऑटोमेटिकली कम डाउन। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि इतना परसेंट ये इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 50 सालों में ये दूना लगभग बढ़ गया है, तो ये कह रहे हैं कि इससे हंगर तो कम हो जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हंगर का प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कह रहे रियंटी हंगर इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको फूड का एसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये मैटर करता है कि उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ये मैटर नहीं करता है। और ये भी कह रहे हैं कि क्या आपको ये पता है कि अर्बन और रूरल में कितना डिफरेंस है एसेस एसेस करने में, तो इसको भी इस पे भी मतलब इसको भी एक फैक्टर मान रहे हैं, क्योंकि अर्बन जो है वो PDS उन लोगों को उतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी कि, सॉरी, रूरल को उतनी आसानी से नहीं मिलता जितने कि अर्बन को मिलता है। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे वहाँ क्या होता है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजनल वेरिएशन भी बहुत ही ज़्यादा है। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन में या इनको रीच करने में, ठीक है।
इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऑथर ने कहा था उसमें कि GHI इज़ नाइदर अप्रोप्रिएट ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हंगर, सिंस इन्होंने देखिए कहा था उसमें कि जो बच्चों जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनका वेटेज ज़्यादा है, 70% किया गया है, 70.5% है, इसलिए पूरी तरीके से माइनर पॉपुलेशन, जो कि चूँकि ये देखिए बच्चे बच्चों का वेटेज इन्होंने 70% दिया था जबकि इनकी पॉपुलेशन तो कम ही होती है ना, तो ये कह रहे हैं कि ये माइनर पॉपुलेशन में होते हैं और वेटेज आपने इतना दिया था, तो इसको कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रेंस की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो 2 टू 3 टाइम्स ज़्यादा होती है एडल्ट के कंपेयर में, इनको 80 कैलोरी की ज़रूरत होती है जबकि एडल्ट को 35 से 45 कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो यही कह रहे हैं कि ये चिल्ड्रेन जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं अंडर न्यूट्रिशन के लिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, राइट। तो उनके जो सारे आर्गूमेंट थे उनको एक तरीके से ये नकार रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि वेट एंड हाइट ऑफ द चिल्ड्रेन आर नॉट सोनली डिटरमाइंड बाय द फूड इंटेक बट आर एन आउटकम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स एनवायरमेंट सैनिटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इंटेक। तो उन्होंने इसमें ये कहा था कि जो बच्चों की हाइट होती है और जो वेट होता है वो सिर्फ फूड इंटेक पे ही पे डिपेंड नहीं करता बल्कि उनके एनवायरमेंट सैनिटेशन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इंटेक और जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। तो इन्होंने देखिए इसका काउंटर आर्गूमेंट दिया है, इन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स जो है वो नो डाउट डिटरमाइन करता है हाइट को, लेकिन ये आप सिर्फ 2 या 3 जनरेशन के बाद ही पता लगा सकते हैं कि उसको फूड अवेलेबिलिटी की वजह से हुआ है या कि कोई और वजह है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर 2 और 3 जनरेशन ऑफ एडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी पे ही आप इसको फिर डिटरमाइन कर सकते हैं। वेयर चिल्ड्रेन हैव डेफिसिट ऑफ 600 कैलोरी दे आर रिकमेंडेड नाइदर कैन बी आर्गूमेंट फॉर होल फूड बी इग्नोर्ड नॉट द फैक्ट दैट दिस चिल्ड्रेन आर मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन ड्यू टू लोअर इम्यूनिटी आर पॉसिबल। तो यही कह रहे हैं कि वो बड़ा मुश्किल है इसको पता लगाना, क्योंकि अगर आप अगर उनको फूड कैलोरी अगर कम मिल रही है, फूड कैलोरी अगर डेफिसिट में है, जैसे 1200 या 1500 कैलोरी अगर उनको मिलनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर 600 कैलोरी मिल रही है, तो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी और दिक्कतें होती हैं जैसे इन्फेक्शन वगैरह उनको हो सकता है और उनकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन के पॉसिबिलिटी है। तो ये कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके से आपकी बात गलत है। इसके अलावा और कह रहे हैं कि द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन अंडर 5 इज सेंसिटिव मेजर ऑफ ओवरऑल न्यूट्रिशन ऑफ द कंट्री, सिमिलरली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको MMR भी कहते हैं इज एन एक्सेप्टेबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ सिस्टम फंक्शन, डज नॉट मीन दैट प्रेग्नेंट वुमेन कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमने जैसे MMR में भी कंसीडर किया है, तो MMR को कंसीडर करने का ये मतलब नहीं है कि इनकी प्रेग्नेंट की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, हम तो इसमें ये देख रहे हैं कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, ठीक है ना। ये डिफरेंस कर रहा है बिटवीन बायस एंड रिप्रेजेंटेशन बिफोर द लेवल चेंजेस बिफोर द लेवल चार्जेस ऑफ बायस अगेंस्ट GHI, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो भी सही नहीं है, ठीक है ना। मॉर्टेलिटी रेट कह रहे हैं कि नो डाउट ये एक्सेप्टेबल इंडिकेटर है हेल्थ का, हेल्थ सिस्टम का। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा फाइनली ये कह रहे हैं कि द क्लेम डेट देयर इज स्टिल इनकंक्लूसिव डिबेट ऑन द कट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन एंड सजेस्ट दैट लिवर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म ऑफ 1800 कैलोरी शुड सफाइस टू कैलकुलेट हंगर, वाई शुड इंडिया सेटल अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट वेन इट हैज़ वर्क ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डायट्री अलाउंस टू एड्रेस द एनर्जी नीड्स ऑफ द ऑल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द जेंडर ऑक्यूपेशन वेट एंड स्पेसिफिक कंडीशन लाइक वेट गेन ड्यूरिंग। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया को आखिर क्या इस ये जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है 1800 कैलोरी का, ये कह रहे हैं कि ये सफाइस होना चाहिए हंगर को, हंगर के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा था कि ये इनकंक्लूसिव डिबेट है कि मिनिमम कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन कितनी होनी चाहिए, जो इन्होंने आप ये मिनिमम की बात कर रहे हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉर्म 1800 कैलोरी का, तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास तो ये सारे आपने रिकमेंड किया था ना डाइट्री अलाउवेंस को एड्रेस, जो कि एनर्जी नीड की जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की बेस्ड ऑन जेंडर ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आपने तो ऑलरेडी क्या नाम है मेंशन की हुई है, तो फिर आप ये 1800 कैलोरी की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे क्या। देखिए इनका कहना ये है कि आपने उस आर्टिकल में ये कहा था कि इंडिया में जो कट ऑफ मिनिमम एनर्जी कट ऑफ की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसकी जो कैलकुलेशन है वो अभी भी इनकंक्लूसिव है, आपने ये कहा था उसमें, जबकि आपने उसमें 1800 कैलोरी को
को सफाइस भी कहा था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है जब सेटल्ड है इंडिया में, तो वही कह रहे हैं, वाई शुड इंडिया सेटल फॉर अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स व्हेन इट हैड वर्क आउट अ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउवेंस। जब इंडिया ने डाइटरी अलाउवेंस को रिकमेंड किया हुआ है, तो आखिर किस बेसिस पे किया होगा, उसका कोई क्राइटेरिया होगा ना। वो तो देखिए, ये सारी पॉपुलेशन को आपने एनर्जी जो नीड होती है, तो आपने जेंडर, ऑक्यूपेशन, वेट, स्पेशल कंडीशन लाइक वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, इसकी बेसिस पे किया है ना। तो आप इन्होंने 1800 कैलोरी को आपने कैसे कह दिया कि सफाई से, बात समझ रहे क्या है। देखिए, एनर्जी की जो नीड होती है वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, वेट के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है ना। वर्कर्स जो होते हैं, इसीलिए रूरल के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी कैलोरी की, क्योंकि वो वर्क ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जेंडर में मेल को ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वेट जिनका ज़्यादा होता है उनको कम होती है, इस टाइप से ये चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपने कैसे कह दिया कि 1800 कैलोरी ये सफाइस है हंगर को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो ये सारे आर्टिकल थे, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।